बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कोविड महामारी के दौर में भी स्कैम पे स्कैम करे जा रहे थे, गोवा की बीजेपी की सरकार और गोवा की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हर चीज में करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं आ रही उन्हें ऑक्सीजन पहुंचानी चाहिए थी, उस दौर में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत करप्शन पे करप्शन कर रहे थे, स्कैंडल पे स्कैंडल कर रहे थे, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे थे। गोवा सरकार में हर चीज में करप्शन है। मैंने जांच करवाई, जांच के नतीजे आए और मैंने जांच के नतीजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दिए। वो नरेंद्र मोदी जी हैं जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये वो सरकार है जो कहती थी बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। ये जांच केंद्र सरकार या केंद्र सरकार की किसी एजेंसी से भी नहीं कराई जा सकती, क्योंकि वो सरकार और एजेंसियां भी भाजपा के कब्जे में है। बीजेपी के लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े अनुशासन के साथ भ्रष्टाचार करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में बस इतना ही फर्क है कि कांग्रेस के दौरान अनऑर्गेनाइज्ड करप्शन था, बीजेपी के टेन्योर में ऑर्गेनाइज्ड करप्शन। आप सभी का आम आदमी पार्टी की आज की इस बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। आज एक बहुत ही बड़े इशू पे आम आदमी पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए भारत के एक बड़े गवर्नर ने, एक जाने माने राजनेता जिनका एक बहुत ही इलस्ट्रियस पॉलिटिकल करियर रहा और कई राज्यों के वो गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल में, राज्यपाल के कार्यकाल में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन के बड़े संगीन आरोप लगाए और कैसे कैसे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कोविड महामारी के दौर में भी स्कैम पे स्कैम करे जा रहे थे, ऊपर से नीचे तक करप्शन में लिप्त थे। ये बात बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर ने, सिटिंग गवर्नर ने, जो आज भी एक संवैधानिक पोस्ट पे बने हुए हैं, उन्होंने जनता के सामने रखकर ये उजागर किया है। मैं बात कर रहा हूं गवर्नर सत्यपाल मलिक की। सत्यपाल मलिक साहब 1980 से राज्यसभा के सांसद रहे, 1989 में वो लोकसभा के सांसद बने, उड़ीसा के गवर्नर रहे, बिहार के गवर्नर रहे, जम्मू एंड कश्मीर के, जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ उस समय वो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, गोवा के गवर्नर रहे और गोवा के गवर्नर के पद से जब उन्हें हटाया तो उन्हें मेघालय का गवर्नर नियुक्त किया गया। आज सत्यपाल मलिक साहब मेघालय के गवर्नर हैं, एक संवैधानिक पोस्ट पे बने हुए हैं। उन्होंने एक पत्रकार से बातचीत करते हुए एक बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा किया और उन्होंने कहा कि गोवा की बीजेपी की सरकार और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हर चीज में करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड 19 महामारी के दौर में गोवा की सरकार भ्रष्टाचार कर रही थी, करप्शन कर रही थी। जब ऐसे दौर में जब सरकारों को गरीब की जेब में पैसे डालने चाहिए थे, भूखे के पेट में खाना डालना चाहिए था, जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं आ रही उन्हें ऑक्सीजन पहुंचानी चाहिए थी, उस दौर में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत करप्शन पे करप्शन कर रहे थे, स्कैंडल पे स्कैंडल कर रहे थे, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे थे। और ये बात कोई आम आदमी पार्टी, ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रही, कोई कांग्रेस पार्टी या कोई और विरोधी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल
बीजेपी के खिलाफ ये आरोप नहीं लगा रहा, बीजेपी के द्वारा अपॉइंटेड उनके खुद के गवर्नर जो गोवा के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने कहा कि जब मैं गोवा का गवर्नर था मेरे कार्यकाल में मैंने देखा कि प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो करप्शन करते थे। उन्होंने कहा कि गोवा सरकार में हर चीज में करप्शन है। मैं उनका पूरा स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, अंग्रेजी में पढ़ूंगा उसका हिंदी अनुवाद भी करूंगा। आई स्टैंड बाय माई कॉमेंट्स ऑन बीजेपी गवर्नमेंट्स मिसहैंडलिंग ऑफ कोविड इन गोवा। देयर वॉज करप्शन इन एवरीथिंग द गोवा गवर्नमेंट डिड। मैं अपने जो मैंने आरोप लगाए हैं, जो बयान दिए हैं, मैं आज भी उस पर खड़ा हूं। और गोवा सरकार में हर चीज में भ्रष्टाचार था। आई वॉज रिमूव्ड फॉर माई एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द गोवा गवर्नमेंट। मुझे इसलिए हटा दिया गया गवर्नर के पद से क्योंकि मैंने गोवा सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया। आई एम अ लोहियाइट, आई स्पेंड टाइम विद चरण सिंह, आई कांट टॉलरेट करप्शन। मैं लोहिया साहब के साथ रहा, मैं चरण सिंह साहब के साथ रहा, उनकी विचारधारा का आदमी हूं और मैं भ्रष्टाचार कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो आगे कहते हैं, इट वॉज डन ऑन द इंसिस्टेंस, यानी कि करप्शन वॉज डन ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ अ कंपनी दैट पेड मनी टू द गवर्नमेंट। आई आस्क माई पीपल इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द कांग्रेस टू इन्वेस्टिगेट। आई प्रोब द मैटर एंड आई इन्फॉर्म द प्राइम मिनिस्टर अबाउट इट। वो कहते हैं कि एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जिसके कहने पर, जिससे साठगांठ में गोवा सरकार ने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया कोविड 19 के दौर में। मैंने जांच करवाई, जांच के नतीजे आए और मैंने जांच के नतीजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दिए। दे आस्ट द सेम पीपल हु आर बिहाइंड द प्लान अबाउट द एलिगेशन, दे वोंट एक्सेप्ट एज दे आर इन द रॉन्ग। देर इज एन एरिया नियर द एयरपोर्ट वेयर ट्रक्स वर यूज फॉर माइनिंग पास। आई आस्क द गवर्नमेंट टू स्टॉप देम इन व्यू ऑफ कोविड, द गवर्नमेंट डिडंट एंड देन इट बिकेम अ हॉटस्पॉट फॉर कोविड। टूडे पीपल आर स्केयर्ड टू स्पीक द ट्रूथ इन द कंट्री। वो कहते हैं कि जब मैंने प्रधानमंत्री को बताया कि आपका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और भाजपा की गोवा सरकार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रही है, तो उन्होंने कुछ खास नहीं किया। उन्होंने दो चार लोग जो खुद उस भ्रष्टाचार में लिप्त थे उन्हीं से पूछ लिया, क्या वो कबूल करते कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे गोवा गवर्नर के पद से इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि मैंने गोवा के मुख्यमंत्री और भाजपा की गोवा सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया। यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गोवा के उस समय के राज्यपाल गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक ने गोवा सरकार के भ्रष्टाचार से रूबरू कराया, तो मुख्यमंत्री, भ्रष्ट मुख्यमंत्री को हटाने की बजाय भ्रष्टाचार उजागर करने वाले गवर्नर को नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया। ये वो नरेंद्र मोदी जी हैं जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये तो खिला भी रहे हैं और खाने दे भी रहे हैं। ये वो सरकार है जो कहती थी बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। ये सरकार अपने चीफ मिनिस्टर्स को एक फ्री पास देती है कि जितना पैसा कमाना है कमाओ, जितना लूटना है लूटो। गोवा के लोग चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत और उनकी सरकार के इस करप्शन को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन इस करप्शन को एक्सपोज नहीं कर रही है। उसी स्टेट के गवर्नर अपने कार्यकाल के दौरान अपनी आंखों देखी, आप बीती, खुद जांच करने के बाद जो करप्शन उन्होंने देखी, जो भ्रष्टाचार गोवा सरकार में देखा, उसे उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कोविड 19 महामारी के दौरान गोवा सरकार ने जो करप्शन किया उसके बारे में बताया और यह भी कहा कि गोवा में हर चीज में करप्शन है, गोवा सरकार हर चीज में पैसा कमाती,
सिर्फ पैसे कमाने का, करप्शन करने का काम गोवा सरकार का है। और आज लोग सच्चाई बोलने से, सच बोलने से डरते हैं, ये गवर्नर ने कहा। मैंने ना इतिहास के पन्नों में और ना ही अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में कभी संवैधानिक पद पे बैठे गवर्नर को अपने ही कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री के इतने बड़े करप्शन को उजागर करते देखा। यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है भारत की राजनीति में, इसका संज्ञान लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी दो मांगे, दो डिमांड्स साफ तौर पे आज सामने रखती है। पहली चीज, प्रमोद सावंत जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से इसी समय अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें कोई हक नहीं है मुख्यमंत्री पद पे बने रहने का। और दूसरी मांग आम आदमी पार्टी की, हम इस पूरे करप्शन स्कैंडल में, इस पूरे स्कैम में जुडिशियल प्रोब की मांग करते हैं, न्यायिक जांच की मांग करते हैं। यह जांच गोवा सरकार से नहीं की कराई जा सकती, गोवा सरकार तो भाजपा के कब्जे में है। यह जांच केंद्र सरकार या केंद्र सरकार की किसी एजेंसी से भी नहीं कराई जा सकती, क्योंकि वो सरकार और एजेंसियां भी भाजपा के कब्जे में है। तो जांच न्यायिक होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल प्रोब इन द करप्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एंड द गोवा गवर्नमेंट मस्ट टेक प्लेस। ये दो मोटी मोटी मांगे आज आम आदमी पार्टी सबके सामने रख रही है। और मैं एक चीज कह दूं, यूपीए की सरकार ने और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने खूब पैसे कमाए, खूब करप्शन किया, लेकिन बीजेपी की सरकार ने और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने उस करप्शन को स्ट्रीमलाइन किया, उस करप्शन को एक ऑर्गेनाइज ढंग से आगे बढ़ाया। और ये लोग, बीजेपी के लोग, बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े अनुशासन के साथ भ्रष्टाचार करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में बस इतना ही फर्क है कि कांग्रेस के दौरान अनऑर्गेनाइज्ड करप्शन था, बीजेपी के टेन्योर में ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है। कांग्रेस के दौरान अनसोफिस्टिकेटेड करप्शन था, बीजेपी के टेन्योर में सोफिस्टिकेटेड करप्शन है, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है। उन्होंने भ्रष्टाचार को स्ट्रीमलाइन कर दिया, बस इतना ही फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में। और आज जो सत्यपाल मलिक साहब का बयान आया है, जो उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, उस पर हम केवल प्रमोद सावंत का इस्तीफा, एक न्यायिक जांच ही नहीं मांग करते, इसके साथ साथ ये मांग करते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारा देने वाले प्रधानमंत्री, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार का नारा बुलंद करने वाले प्रधानमंत्री जी इस पूरे वक्तव्य पे बयान दे। ये कोई विपक्षी नेता का वक्तव्य नहीं है, ये उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की पार्टी के सांसद रहे, उन्हीं की पार्टी के द्वारा नियुक्त करे गए गवर्नर, जो कई राज्यों के गवर्नर रहे, बिहार से लेकर उड़ीसा तक, जम्मू कश्मीर से लेकर मेघालय तक, हर राज्य के गवर्नर रहे, उस व्यक्ति को जो आपके करीबी माना जाता है प्रधानमंत्री जी, उस व्यक्ति ने आप ही की बीजेपी की सरकार का भ्रष्टाचार उजागर किया है, आपका उस पर क्या कहना है? और अगर प्रधानमंत्री जी प्रमोद सावंत को बर्खास्त नहीं करते हैं, अगर बीजेपी आज गोवा की सरकार के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, जांच नहीं बिठाती है, सैक नहीं करती है उन्हें, तो यही माना जाएगा कि कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी बीजेपी भी गोवा सरकार के साथ लिप्त है, यानी कि गोवा सरकार का भ्रष्टाचार के पैसे का हिस्सा ऊपर तक पहुंचता है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट तक पहुंचता है, बीजेपी तक पहुंचता है। यह बात हम स्पष्ट तौर पर आज बीजेपी को कहना चाहते हैं, और गोवा की जनता के ओर से, उनके बिहाफ पे हम ये मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से, इमीडिएटली, प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री, अपना इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे। उनको कोई भी हक नहीं है अब चीफ मिनिस्टर बने रहने का। कोविड-19 के दौर में गोवा सरकार ने जो जो करप्शन किया, हम वो समय समय पर गोवा में प्रोटेस्ट कर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर, लोगों के बीच पब्लिक रैलीज में रखते आए, बताते आए हैं लोगों को कि कैसे गोवा की सरकार करप्शन कर रही है। कोविड-19 के दौर में जब लोगों को आपको राहत पहुंचानी होती है, आप लोगों को राहत नहीं पहुंचा रहे, अपनी जेबें भर रहे हैं,
लेकिन अब जो चीज सामने आई है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कोई स्कोप नहीं छोड़ती है। ये तो गवर्नर साहब, उस समय के गवर्नर साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैंने करप्शन देखा, मैंने करप्शन की जांच करवाई, आई गॉट इट इन्वेस्टिगेटेड, और मैंने पाया कि गोवा सरकार करप्शन कर रही है। मैंने प्रधानमंत्री जी तक को इस करप्शन से रूबरू करा दिया, उनको सूचना दी, तो जांच भी हो चुकी है, करप्शन भी सामने है, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाता, क्यों नहीं आज इस पूरे मसले में एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल प्रोब बिठाई जाती जो जांच करके बताए कि कौन आदमी जिम्मेदार था करप्शन के लिए, कितने मंत्री शामिल थे, कितने अफसर शामिल थे, कितने नेता शामिल थे, सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करने वाली, जुडिशियल प्रोब कराने वाली जो एक बॉडी का गठन करना है वो क्यों नहीं करते ये लोग गठन, हम पूछना चाहते हैं। और कोई सवाल इस संदर्भ में? थैंक यू।